नमस्कार। राष्ट्रीय युवा दिवस के इस खास मौके पर गुड इवनिंग इंडिया की इस विशेष पेशकश में मैं सत्यप्रिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कहा जाता है कि स्वर्ग की किरणें सीधे भारत में पदार्पण करती हैं और शायद यही कारण है कि भारत साधु संतों की स्थायी स्थली रही। लेकिन भारत में एक ऐसे सन्यासी, एक ऐसे संत, एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु हुए जिन्होंने 40 वर्ष से कम की आयु में देश और विदेश में वेदांत दर्शन की अलख जगा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान आध्यात्मिक चिंतक एवं गुरु स्वामी विवेकानंद जी की। आज का दिन यानी कि 12 जनवरी का ये दिन स्वामी जी की जन्मतिथि है और यही कारण है कि हम कई वर्षों से इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। और आज हम सबके पास ये सही मौका है कि हम बात कर सके कि किस तरह से स्वामी जी के विचार, स्वामी जी के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक नज़र आते हैं जितना कि आज से कई सौ साल पहले। और इस बातचीत में हमारा साथ दे रहे हैं, मैं स्टूडियो में स्वागत करती हूं दिनेश कुमार जी का। आप एक आध्यात्मिक चिंतक के साथ साथ एक बिजनेस लीडरशिप कोच हैं और साथ ही एक्सपर्ट हैं एंशंट इंडियन विजडम एंड लीडरशिप में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारी खास ऑडियंस जो इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। तालियों से स्वागत करना चाहूंगी आप सभी का। इस बातचीत को हम और आगे बढ़ाएंगे पर उससे पहले हम और आप मिलकर देखते हैं स्वामी जी के जीवन पर यह वीडियो। Narendranath Datta, who was later on known as Swami Vivekananda, was born in Calcutta in 1863. Swami Vivekananda was a prodigy endowed with many talents. He had acquired a vast knowledge of different subjects, including Indian and Western philosophy and history. The Ramakrishna Math was established, but Vivekananda's mission was not complete. He heard the inner call for a greater mission in his life. After staying in Boranagar Monastery for about 2 years, he set out on a long journey as a mendicant monk for the exploration and discovery of real India. During his travels, he was deeply moved to see the appalling poverty and backwardness of the masses of India. It was clear to him that the real cause of India's downfall was the neglect of the masses. After traveling through the length and breadth of India, one day, Swami Vivekananda found himself on the southernmost tip of the country at Kanyakumari. Here, he meditated for 3 days and nights, and the complete picture of his future mission unfolded before him. स्वामी जी का ये कहना था कि मेरा विश्वास युवा शक्ति पर है और इन्हीं में से मेरे कार्यकर्ता निकलेंगे जो पूरे विश्व को बदल देंगे। इतना दृढ़ विश्वास युवा शक्ति पर। उन्हीं के शब्दों में कहें तो ताजे पुष्प तोड़ करके ईश्वर के चरणों में हम अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए समर्पित करते हैं। पुष्प बासे हो जाए तो उन्हें ईश्वर के चरणों में पूजा अर्चना हेतु समर्पित नहीं किया जाता। युवा शक्ति उसी प्रकार का ताजा पुष्प है जिसे प्रकृति ने विकसित और पल्लवित किया है।
उसे अपनी संपूर्ण आभा, अपनी संपूर्ण सुवास के साथ अपने राष्ट्र हित हेतु, मानवता के कल्याण हेतु, अपनी युवा क्षमताओं के साथ ही स्वयं को आहूत कर देना चाहिए। और ये बात स्वामी जी की नॉट ओनली बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल मेंटल, पर समय की आवश्यकता को देखते हुए भी हम अगर अनुभव करें तो परिवर्तन के लिए अगर कोई आंतरिक विद्रोह उठता है तो युवाओं में अधिकतर उठता है, अन्यथा एक आयु जीते हुए हम एक प्रकार के जीवन जीने के अभ्यस्त हो जाते हैं जिसे तोड़ पाना उतना सहज नहीं होता है। युवाओं के लिए ये आंदोलन, ये विद्रोह, ये बदलाव, द चेंज इज अ नॉर्म, इट्स ईजी, उनके लिए बड़ा सहज होता है। ट्रेंड सेटिंग जितनी भी होती है, अगर हम फैशन की बात भी करें तो युवाओं से ही होती है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो परिवर्तन के लिए खुले हैं। उनकी वाणी और उनका जीवन कालहीन है, इट इज बियॉन्ड द टाइम। आप किसी भी काल में उनको अगर आप उतार के देखें, किसी परिस्थिति में देखें, तो उन्होंने जिस प्रकार संघर्ष किया, अपनी क्षमताओं का विकास किया, चुनौतियों का सामना सामने से किया, वो किसी भी काल के युवा के लिए, किसी भी संतति के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। स्वामी जी का ये कहना कि उत्तिष्ठ और जागृत, कि उठो, जागृत हो और फिर अपने लक्ष्य को साधो, आज के युवा की अगर देखा जाए तो यही दरकार है। कि कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि आज का युवा, हालांकि उसके पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है और उसके अलावा आज बहुत सारे उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो अपने जीवन को एक नई राह दे पाए, एक नई दिशा दे पाए, पर कमी नज़र आती है आत्मविश्वास की। पर अगर स्वामी जी के प्रवचनों को देखें, उनके जीवन को देखें, तो उन्होंने युवा को हमेशा से आत्मविश्वास से भरने का ही संदेश दिया। सैकड़ों वर्षों की पराधीनता और उसके बाद स्वतंत्र हुई ये देवभूमि, और उस स्वतंत्रता के बाद अगर कहीं कोई कुंठित पड़ा रहा तो हमारी मानसिकता, जो आधार बन करके हमें आगे प्रेरित नहीं कर पाए। जबकि ये भारत ऐसा राष्ट्र रहा है जहाँ से नए संकल्पों का उदय हुआ है, यहाँ प्रत्येक जीव और उसके जीवन को ही एक शोध माना गया है। ऐसे में जहाँ प्रत्येक जीव और उसका जीवन एक शोध माना जाए, नित्य नए संकल्पों का उदय होना चाहिए था। हम लोग तकनीक के दिशा में, शिक्षा की दिशा में हमने प्रगति की है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर क्योंकि भीतर वो जाज्वल्यमान स्वरूप नहीं था, इसलिए जो महती आवश्यकता राष्ट्र की आज है, उसे पूरी करने में अक्षम रहे। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का प्रसंग सर्वाधिक है। आज जिस प्रकार की उद्यमिता की, जिस एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट की, जिस एंटरप्रेन्योरियल जील की आवश्यकता है कि हम राष्ट्र भर में नए से नए उद्यम रच डालें, राष्ट्र भर में जहां देखें वहां कुछ ना कुछ नया घट रहा हो, राष्ट्र भर में सैकड़ों रिसर्च सेंटर्स होने के बाद भी भारत के अपने कितने हैं, इस पर एक प्रश्न है। कारण एक ही है, कहीं उद्यमिता का अभाव है। हम लोग शिक्षा तो प्राप्त करते हैं आजीविका उपार्जन की दृष्टि से, जबकि शिक्षा को तो एक आधार बनना चाहिए जिस पर सवार होकर के हमारे भीतर की उद्यमिता आगे बढ़े जी। उसी सूचना एकत्रित, शिक्षा अर्थात अर्जित सूचनाएं, अर्जित सूचनाओं के आधार पर भीतर का उत्साह, भीतर की उमंग, भीतर का जो जिजीविषा है वो जागृत हो, हम नए उद्यम रचें। उत्तिष्ठ जागृत, ये शब्द उपनिषदों की गूंज है। अगर हम ये कहें तो उपमा नहीं होगा कि स्वामी विवेकानंद जीवंत उपनिषद थे। बिल्कुल। उन्होंने अपने इस शरीर रूपी देवालय में उपनिषदों की उस गूंज को जिया, और जी करके उन्होंने पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत कर दिया कि किस प्रकार अपनी क्षमताओं को विकसित करके आप असंभव से प्रतीत होने वाले कार्यों को भी कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में सबसे बड़ा संदेश जो आज के युवाओं को प्राप्त होता है वो है बी नॉट स्केर्ड ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव्स। शुरुआत करने से तुम झेपो नहीं, क्योंकि तुम अजर अमर जीवात्मा हो, तुम्हारा कुछ मिटने वाला नहीं है। आप आध्यात्मिक हैं अथवा नहीं हैं तो भी ये सत्य बदले नहीं जा सकते, ये शाश्वत हैं। द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैनॉट बी ऑल्टर्ड, इट्स नॉट प्रोन टू म्यूटेशन, आप उसको नहीं बदल सकते, H2O रहेगा। और स्वामी जी का जो ये संदेश है कि आप पूरी तरह से निर्भय होकर के और आप शुरुआत कीजिए, निर्भीक होकर के संघर्ष करो, असफलता के भय से ग्रसित मत हो जाओ, क्योंकि तुम असफल भी होगे, गलतियां भी करोगे,
तो वो तुम्हारे जीवन पर हस्ताक्षर होगा कि तुम एक मनुष्य हो। और आपने प्रयास किया, आपने प्रयास किया। पशुओं से गलतियों की आशा नहीं की जाती, गलतियां तो मनुष्य ही करेगा। बिल्कुल। तो उनका ये कहना आज के लिए बहुत प्रासंगिक है कि अपने आप को एकत्रित करके, एक लक्ष्य को सुनिश्चित करके, और फिर तुम उत्साह के साथ खड़े हो जाओ, संघर्ष के लिए तत्पर हो जाओ। खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पाने के लिए तो आकाश है। तो ऐसी परिस्थिति में जो भारत की महती आवश्यकता एंटरप्रेन्योरशिप है, गूंज रही है वो आवश्यकता, क्योंकि इस करोड़ों करोड़ों के इस राष्ट्र में जहां की नवयुवकों की संख्या सर्वाधिक है, पूरे विश्व को जो एक सबसे बड़ी श्रेष्ठ आहुति हम देने जा रहे हैं वो है हमारे यहाँ इतनी बड़ी तादाद में युवा है, ऐसे युवा कैसे पराधीन मानसिकता से नए राष्ट्र और नए विश्व को गढ़ सकते हैं, ऐसी मानसिकता जो केवल नौकरी पाना चाहती है। पर शायद कहीं ना कहीं दोष शिक्षा पद्धति का भी है, क्योंकि युवा जो देखते हैं शिक्षा को वो केवल एजुकेशन के रूप में देखते हैं, डिग्रियों के रूप में देखते हैं। वहीं अगर दूसरी ओर हम स्वामी विवेकानंद जी की बात देखें तो उन्होंने उसी वक्त कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य है मानव का विकास करना, पर आज शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्रियों तक सीमित होकर रह गया है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति का भी दोष नजर आता है। अब क्योंकि बात स्वामी विवेकानंद जी पर आधारित है और विवेकानंद जी जैसी जीवंत ऊर्जा जो कभी इस पृथ्वी से जा ही नहीं सकती, तो मैं उन्हीं के शब्दों को लूंगा कि शिकायतों की अब आवश्यकता नहीं है। जो नहीं है उसे करने के लिए एक पूरक बन करके उपस्थित हो जाओ, क्योंकि हम जैसे ही कहीं कोई शिकायत को ढूंढते हैं, किसी त्रुटि को ढूंढते हैं, तो वो कहीं ऐसा सहारा बन जाती है कि हम अपनी प्रगति नहीं कर पाते। चूंकि मुझे ऐसा नहीं मिल सका, चूंकि ऐसा नहीं हो सका, तो हम उसकी आड़ लेकर के अपने पुरुषार्थ, अपने प्रयास, अपने इनिशिएटिव को रोक देते हैं। जो जैसा है हमें मिल गया है, उसी को आधार मानते हुए क्यों ना हम नए भारत को गढ़ने के लिए आगे चल निकले। शिक्षा पद्धति में अगर कोई त्रुटियां हैं भी, तो उनके होते हुए भी अगर आज कुछ ऐसे युवा मानस जो नए उद्यमों की तरफ पैर पटक करके आगे बढ़ेंगे, असफलता को अंगीकार करते हुए संघर्ष करेंगे, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां भी रच देंगे कि शिक्षा स्वतः अपने आप को बदलना आरंभ कर देगी। मनुष्य की जिजीविषा पानी है, अपना रास्ता ढूंढना जानती है, वो जिजीविषा जागनी आवश्यक है। जैसे वो जिजीविषा जाग गई, उसके बाद सब कुछ उसके लिए बदलेगा, क्योंकि सारी शिक्षा पद्धति, सारी विकास की नीतियां उसी की सेवा में तो अर्पित हैं। क्या बात है। ये सत्य है कि स्वामी विवेकानंद जी का वाक्य कि बस एक बार तुम अपने संकल्प को ले लो, तुम में अगर कमी है तो संकल्प की शक्ति की, इच्छाएं तो हजार हैं, उस पर तुम नित्य फना हो जाते हो, तुम अपने आप को एकत्रित नहीं कर पाते, तुम्हारा वजूद एकत्रित नहीं है, तुम कटे बटे हो, तुम संकल्प की शक्ति पर आधारित होकर के एक बार चलो तो सही। वो संकल्प का भाव है हमारे यहाँ। इस सारी शिक्षा पद्धति के होते हुए संकल्प नहीं है हमारे यहाँ, विद्या की कमी है, शिक्षा की नहीं। और विद्या संकल्प लेना सिखाती है, शिक्षा सुझाव देती है बुद्धि के माध्यम से कि क्या करना चाहिए, क्या उपयुक्त होगा, पर जो भी करना चाहिए उसमें अगले क्षण किसी रुकावट से हम हतोत्साहित नहीं हो जाएं, ये विद्या का विषय, ये विवेकानंद है। विवेक का आनंद ही संकल्प है। जहां संकल्प नहीं विकल्प है, वहां विवेक नहीं है। वहां मनुष्य की प्राथमिकताएं प्रतिपल बदलती जाएंगी, वहां मनुष्य के भीतर का अस्तित्व प्रतिपल खंडित होता रहेगा, और जहां संकल्प है वहां हजार समस्याओं में भी जूझ करके मनुष्य असफल होकर के भी इतना श्रेष्ठ उदाहरण बन करके आएगा कि लोग कहेंगे देखो उन्होंने तो किया। आज स्वामी जी अगर आज इस पूरे विश्व के लिए, भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और अनंत काल तक रहेंगे, तो एक कारण से, एक उद्देश्य चुना और उस पर आहूत हो गए, फना हो गए, संकल्प उठाया उसके बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं। शिकायत ही नहीं की कि आई डोंट हैव फंड्स, आई डोंट हैव प्रोविजंस, नोबडी इज हेल्पिंग मी, चलते चले गए। और हजारों दिक्कतों का सामना करने के बाद पूरे राष्ट्र की कुंडलिनी को उन्होंने ऐसे स्तरों पर, आधारभूत स्तरों पर मत डाला कि आने वाला युवा, आने वाले संततियां उनका चित्र देखकर भी प्रेरणा ले सके। आज तो उनका अपने आप में चित्र ही उपनिषद हो गया है। सच सच है कि संकल्प ही सिद्धि का रास्ता है, सिद्धि का मार्ग है। इस वक्त ऑडियंस से एक प्रश्न लेते हैं। ऑडियंस यहाँ हमसे कुछ पूछना चाहती है। विवेकानंद जी भारत से जब शिकागो में गए
तो वो विवेकानंद जो लौट के आए वहाँ से, वो दूसरे ही विवेकानंद थे, पश्चिम से बड़े प्रभावित होकर आए उनके विज्ञान से, और उन्होंने संदेश ये दिया कि उनके पास विज्ञान है, हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान है, तो ये एक्सचेंज अगर जो हो जाए तो संसार का बड़ा उद्धार होगा। तो भारत देश गरीब है, उसको साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। ये बात हुए अब एक शताब्दी बीत चुकी, और अब साइंस और टेक्नोलॉजी भी भारत में अपने उच्चतम स्तर पर है। तो अब यहाँ प्रश्न ये पैदा होता है हम पेरेंट्स के सामने, हम अपने बच्चों को ये जो टेक्नोलॉजी जो आ गई है नई, जो इंटरनेट आ गया है, फ़ोन आ गया है, इनके बिना गुजारा नहीं, नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ती है, लेकिन बच्चे और हमारे युवा, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे और युवा उसमें ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके, तो इससे बचाने के लिए स्वामी विवेकानंद का कौन सा संदेश हम बच्चों को दें ताकि हमारा जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा है, वो उस संकल्प शक्ति को धारण कर सके जो वो देना चाहते थे, बजाय कि अपनी संकल्प शक्ति को वेस्ट करने के इसमें इंटरनेट पे और वीडियो चैटिंग पे और इस तरह से। स्वामी विवेकानंद जी ने जो कुछ जिया आज वही हमारे लिए संदेश है। उन्होंने जी के दिखाया, जी के दिखाने से ही वो स्वयं संदेश बन पाए। आती हुई टेक्नोलॉजी, निश्चित रूप से जब आरंभ में टेक्नोलॉजी आती है तो उसके प्रति लोगों में एक स्पेशल फैसिनेशन, एल्योरमेंट होना, अत्यधिक प्रभावित होना लोगों का, वो स्वाभाविक है। मनुष्य किसी भी नई उपलब्धि को संभालते और सहेजते हुए कुछ समय लेता है। अनेकों प्रकार के आविष्कार आज से पूर्व भी हुए, पर जब वो हुए, चाहे वो साइकिल का ही कभी रहा होगा, तब लोगों में उन्माद साइकिल का भी था। बच्चा जब बड़ा होता है तो साइकिल को लेकर कितना उन्माद होता है, वो फिर समाप्त होता है, मोटरसाइकिल का उन्माद, वो समाप्त होता है तो कार का उन्माद, तो कोई ना कोई नया उन्माद तो जीवन में आता है, पिछला छूट जाता है। नई टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से अपने आप में कुछ उन्माद लेकर के आती है, कुछ समय तक वो रहता है, पर धीरे धीरे स्वतः ही भीतर बुद्धि, भीतर वो विवेक पैदा होने लगता है जो उसे ठीक से सहेज पाए। आरंभ में निश्चित रूप से वो आकर के एक समस्या का रूप लेती है। स्वामी विवेकानंद जी की बात ही कहें तो अपने जीवन को स्वयं अनुभव करने के लिए उन्होंने हमें कहा। अब एक उत्तर इसी प्रश्न का, इससे थोड़ा अलग होकर, स्वामी विवेकानंद जी के प्रकाश में अगर मैं कहूँ, प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को कुछ कहकर के समझा पाना उतना सहज नहीं है जितना परोक्ष रूप से, और अगर संभव हो तो परोक्ष रूप से स्वामी विवेकानंद जी के कोई ऐसे वाक्य जो आपको लगता हो कि बच्चों के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, अगर ऐसे सद्वाक्य अर्थात बोलती हुई दीवारें अपने घर पर अगर आप एक या दो स्थानों पर, अधिक नहीं, एक या दो स्थान पर लगा दें, तो आपको आश्चर्य होगा कि मौन ही मौन में आपके शब्द, आपका मर्म इतना मुखर होकर के उनके आचरण को प्रभावित करेगा कि आप भी अचंभित हो जाएंगे। और ये प्रयोग आज से पहले मैंने अपने जीवन में और अपने परिचितों में अनेकों बार होते हुए देखा है। स्वामी विवेकानंद जी के वाक्य केवल इतना ही कि शांत हो जाओगे तो पावर हाउस बन जाओगे, ध्यान लगाओ, किसी व्यक्ति ने, मेरे परिचित ने अपने किसी दीवार पर लगाया था और उन्हें इस बात का बोध भी नहीं हुआ कि एक दिन वो उन्हीं शब्दों को अपने जीवन में जीना आरंभ हो गए। तो आप भी कुछ ऐसा ही अपरोक्ष करके देखिए, निश्चित रूप से बच्चों के आचरण पर प्रभाव पड़ेगा। अभी जैसे हमने बात की युवाओं के अगर जीवन की बात करें तो सबसे पहला जो कदम है वो है ध्येय का निर्धारण करना, संकल्प बनाना, आत्मविश्वास से उसे आगे लेकर जाना। और फिर एक और अगर हम पक्ष देखें इसका, तो वो है संगठन का पक्ष, क्योंकि आज का जो युग है वो संगठन का युग है। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को ही देखें तो उन्होंने जम्मू में कई सन्यासियों को इकट्ठा करके उन्हें एक जुट करके उन्हें काम में लगाया। तो ये उनका जीवन, संगठन क्या है, उसकी क्या जरूरत है, इस बात पर उन्होंने प्रकाश डाला। सबसे पहले तो उद्देश्य होना आवश्यक है, उद्देश्य इतना स्पष्ट हो कि मनुष्य स्वयं को उस उद्देश्य पर पूरी तरह मर मिटाने के लिए तत्पर हो। आजकल बहुत चर्चा होती है नए युग में, पैशन की बहुत बात होती है, वन शुड बी पैशनेट अबाउट वन्स ऑब्जेक्टिव इत्यादि, और अगर प्राचीन विधा को माने तो पैशन से कहीं अधिक उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिसमें त्याग और सेवा सर्वोपरि हो। कोई भी ऐसा उद्देश्य जिसमें त्याग और सेवा सर्वोपरि है, ये विवेकानंद जी की बात है, उपनिषदों की बात है, और आज के स्टार्टअप की बात है, मैं आधुनिक विषय में कह रहा हूँ। इसमें आश्चर्य होता है कि त्याग और सेवा
और आज का आधुनिक स्टार्टअप अथवा संगठन, दोनों की बात मैं एक ही साथ बोल रहा हूँ, इसमें प्रसंग क्या बैठता है? त्याग और सेवा का तात्पर्य यह है कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिससे आप पूरे समाज की कोई महती आवश्यकता पूरी करते हो। जब भी किसी आप स्टार्टअप के बारे में चर्चा करें, कौन सा बिजनेस शुरू करें, व्हाट इज एन आइडिया, क्या करें, तो एक ही बात सोची जाती है, कोई ऐसी आवश्यकता जिसकी पूर्ति तुम्हारे द्वारा हो सकती हो, कोई ऐसी समाज की आवश्यकता जिसकी पूर्ति कोई अन्य नहीं कर पा रहा, कोई ऐसी आवश्यकता जिसकी पूर्ति तुम अधिक श्रेष्ठता के साथ कर सकते हो। दैट इज द नीड एंड दैट इज द आइडिया फॉर अ बिजनेस, अर्थात सेवा। कोई भी सेवा जो तुम श्रेष्ठता से समाज को अर्पित कर सकते हो कुड बी ए बिजनेस आइडिया, विद प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट। और ऐसी कोई सेवा जो तुम्हें लगता है कि निश्चित रूप से समाज का कल्याण कर सकती है, और उसमें तुम त्याग की भावना, त्याग किस बात का, आप किसी भी उद्देश्य को लेकर चलते हो, बिना त्याग के हो नहीं सकता। बिना त्याग के आप अनेकों प्रलोभन, अनेकों प्रायोरिटीज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि त्याग की भावना अगर आप में नहीं होगी तो हर क्षण किसी दूसरी थाली में ज्यादा दिखाई देगा। आप हर क्षण अपनी प्राथमिकता बदल दोगे, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। रिनन्सिएशन, उन्होंने रिनन्सिएशन शब्द को अंग्रेजी में बार बार उन्होंने प्रयोग किया। रिनन्सिएशन का तात्पर्य हम ये सोचते हैं कि कमंडल पकड़ लेना, नहीं, कमंडल पकड़ करके तो उन्होंने सदग्रस्तों को, सामान्य लोगों को प्रशिक्षण दिया, जबकि त्याग का वास्तविक तात्पर्य, वैराग्य का वास्तविक तात्पर्य क्या है, एब्सोल्यूट फोकस। सभी कुछ हटा दो, वो सारे भाव, सारे विचार जो तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं, जो तुम्हारे ध्यान को खींच करके अपने साथ कहीं और हांक करके ले जा सकते हैं, उन सबको समाप्त कर दो और किसी एक उद्देश्य पर पूरी तरह से अपने आप को आरूढ़ कर दो। उसे कहते हैं सर्वोच्च त्याग या सर्वोच्च स्तर का वैराग्य, बिकमिंग एब्सोल्यूटली फोकस्ड ऑन समथिंग। और जब मनुष्य में यह त्याग वैराग्य की भावना जागती है, सेवा की भावना जागती है, तो फिर वो कोई ना कोई ऐसा इनिशिएटिव लेकर के जीवन में चलता है जिससे कोई बहुत श्रेष्ठ रचना सामने आती है, वेदर इट इज बिजनेस, वेदर इट इज सोशल एस्पेक्ट, कुछ भी हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि हम केवल इसको ये माने कि त्याग और सेवा केवल समाज सेवा के लिए है, नहीं, गलत। त्याग और सेवा उतना ही प्रसंग रखती है जितना बिजनेस में हो सकता है। बिजनेस में अगर आप त्याग नहीं करेंगे छोटे प्रलोभनों का, त्याग नहीं करेंगे आलस्य और प्रमाद का, त्याग नहीं करेंगे अपने भीतर के भ्रमित होने के स्वरूप का, और आप सेवा के लिए तत्पर नहीं होंगे, तो आपके उत्पादन और आपकी सर्विसेज कैसे श्रेष्ठतम स्तरों को जाएगी? आज हम क्या कहते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सर्विस शुड बी ऑफ द एक्सीलेंट क्वालिटी, प्रोडक्ट शुड बी ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी, अर्थात पीछे कहीं वही आता है, अच्छी क्वालिटी की सेवा या उत्पादन बनाने के लिए भीतर एक वैराग्य चाहिए, भीतर सेवा का भाव चाहिए। अगर मनुष्य केवल संकीर्णता में बना रहेगा तो वो ना त्याग को अपनाकर ना सेवा को अपनाकर कोई श्रेष्ठता स्थापित नहीं कर पाएगा। और यही भाव जब विकसित होता है तो संघ शक्ति का, संगठन का भी उदय होता है। जब आप अपने भीतर के त्याग को, अपने भीतर की सेवा को जीना शुरू करते हैं तो दूसरे लोग उससे बहुत अत्यधिक प्रभावित होते हैं। मेरे ऋषि कहा करते थे कि बेटा, चमड़े की जीभ किसी के जीवन को नहीं बदल सकती है। चमड़े की जीभ का प्रभाव तो क्षणिक है, बदलता है तो तुम्हारा अपना आचरण किसी दूसरे के जीवन को प्रभावित करके बदलता है, क्योंकि जलता हुआ दीपक ही दूसरे को प्रज्वलित कर सकता है। केवल आप दूर से दीपक की फोटो दिखा के किसी दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं। तो जब मनुष्य अपने उस उद्देश्य को, जिसको उसने अपने आप के साथ में जीवन के साथ आहूत कर दिया, जब जीना शुरू करता है तो निश्चित रूप से संगठन का बल स्वतः ही आसपास दिखाई देता है। लोग मान लेते हैं, ये जो कह रहा है ना, उससे इसने जी के छोड़ना है, चलो हम साथ ले लें। स्वामी जी की एक बात मुझे यहाँ बहुत याद आती है, जिसका उल्लेख मैंने अपने अनेकों कार्यक्रमों में बहुत बार किया। उन्होंने कहा, जब कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य तुम जीना आरंभ करते हो, समथिंग यू कंसिडर एज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू योर सेल्फ, टू योर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को अगर आप जीना शुरू करते हो, तो सर्वप्रथम क्या होता है, लोग कुतर्क करते हैं। सबसे पहले तो लोग आकर के कुतर्क करेंगे, अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। पीछे खींचने वाले लोग कई मिल जाते हैं। उसके बाद उपहास करेंगे, उपहास करने, अरे ये तो पागल है, इसको इतनी समझ नहीं आ पता क्या कर रहा है। और अगर आप फिर भी अपने लक्ष्य के प्रति आरूढ़ होकर के आगे बढ़ते रहे, तो फिर उनके पास कुछ नहीं बचता, केवल समर्थन और समर्पण। तो तुम में इतना दम होना चाहिए, तो
तुम में इतना दम होना चाहिए कि तुम उस स्तर को प्राप्त हो जाओ कि लोग तुम्हारे उस आदर्श के प्रति तुम्हारे लगाव को, तुम्हारे वैराग्य को, तुम्हारे त्याग को, तुम्हारी सेवा को देख के प्रभावित हों, कि फिर वो तुम्हारे साथ एक बॉन्डिंग के साथ जुड़े और संगठन बल में शक्ति आए। संगठन किसी के कहने से नहीं बनता, आप जीना शुरू कर दीजिए, लोग उसके चुंबकत्व से, उसके आकर्षण से अभिभूत होकर के आपके साथ स्वयं गुथते चले जाएंगे। और यही उन्होंने किया। 1897 में, जैसा मुझे ज्ञात है, रामकृष्ण उन्होंने मिशन की इस मठ की उन्होंने स्थापना की। आज तक सैकड़ों हजारों सन्यासी उनके साथ जुड़ चुके हैं। मैं ये मानता विवेकानंद आज भी उतने जीवित थे जितने तब थे, शरीर गया होगा, और आज से हजार वर्ष बाद भी वो इतने जीवित रहेंगे। आज भी उनके साथ जुड़ने वालों की संख्या कम नहीं है। आप उनके उस मोनास्टिकल ऑर्डर को देखें तो आप आश्चर्य करेंगे, एक से एक प्रतिभा अपना पूरा जीवन दान देकर के उनके साथ जुड़ती है। संगठन का निर्माण तो तभी होता है ना जब कोई अपने आप को आपको समर्पित कर देता है। एकदम। कब करेगा कोई और क्यों करेगा कोई? जब विश्वास होगा। Be patriots. Love the race which has done such great things for us in the past. The more I compare notes, the more I love you, my fellow countrymen. You have always been tyrannized over, and such is the irony of this material world of Maya. Never mind that. The spirit will triumph in the long run. In the meanwhile, let us work and let us not abuse our country. But Swamiji, a monk should have no particular attachment to his country. Instead, he should view all countries as his own. He who fails to love and support his own mother, how can he provide sustenance for another's mother? According to Swamiji, everyone, even the sannyasis, should love their motherland. How can he who cannot love his own country embrace the world? Patriotism first, then universalism. Swami, how do you like now your motherland after 4 years' experience of the luxurious, glorious, powerful West? India I loved before I came away. Now the very dust of India has become holy to me. The very air is now to me holy. It is now the holy land, the place of pilgrimage, the Tirtha. एक प्रश्न लेते हैं अपने ऑडियंस से। स्वामी विवेकानंद का वैसे तो पूरा जीवन ही युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, लेकिन कोई ऐसा प्रसंग उनके युवावस्था का जिसको सुनके आज के युवा और प्रेरित हो सके? स्वामी विवेकानंद जी का अनुभव युवावस्था का, क्योंकि वो तो युवा अवस्था में ही उन्होंने अपने इस शरीर को त्याग दिया। एक उदाहरण हजारों बार उन लोगों ने सुना होगा, मैं फिर भी उसको दोहराना चाहूँगा। परिस्थितियों से भागने की आवश्यकता नहीं है, डर कर भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जूझने के लिए तत्पर हो जाते हैं, जूझने के लिए आप पूरी तरह संकल्पित हो जाते हैं, तब वही परिस्थितियां जो भयावह, जो भयानक स्वरूप बना करके आपको प्रताड़ित कर रही थी, वो आपके सामने एक बहुत छोटे नगण्य स्वरूप में खड़ी हो जाती हैं। और उसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण वो स्वयं देते थे कि किस प्रकार उनके पीछे बंदर पड़ गए थे, बंदरों का उन पर आक्रमण हो गया था, भाग रहे थे, किसी का सुझाव आया रुको भागो मत, और जैसे वो रुके वो सारे के सारे बंदर जो एक झुंड बना करके आक्रामक स्वरूप लेकर के तार तार करने के लिए आतुर थे, वो सारे के सारे बंदर वहीं ठहर गए। ये बंदर एक उपमा है, एक उदाहरण है, इट्स अ मेटाफॉर, वी कैन टेक इट एज एन एलिगरी, जिसके माध्यम से एक इतना गहरा संदेश प्राप्त होता है कि बंदरों का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, वो व्यक्ति के रूप में भी हो सकते हैं, किसी विषय के रूप में भी हो सकते हैं, किसी परिस्थिति के रूप में भी हो सकते हैं। क्योंकि मनुष्य के सामने तीन ही तो चीजें आती हैं, इधर पीपल,
इधर सिचुएशंस और सब्जेक्ट्स, इन तीनों में से कोई भी बंदर का स्वरूप लेकर के आ सकता है, और तीनों में से जो भी बंदर का स्वरूप लेके आएगा, अगर आपने भागना शुरू किया तो वो आपके पीछे पीछे भागेगा, और आप डट करके एक बार अगर रुक गए तो उसका कद नगण्य हो जाएगा, रहेगा पर नगण्य हो जाएगा, कम से कम आपके भीतर एक आंदोलन जन्म लेगा कि मैं डरा नहीं हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तत्पर हूँ। तत्पर शब्द का तात्पर्य जानते हैं, तत् कहते हैं दैट को, दैट पर अर्थात बियॉन्ड, वो जो इससे परे है उसके लिए मैं अब तैयार हूँ, तत्परा मैं उसके लिए तैयार हूँ। और ये तत्परा की अवस्था तभी आती है जब आप रुक करके सामना करने के लिए डट जाते हो, अन्यथा अन्यथा तो जीवन भर आप भागते रहिए, परिस्थितियों के, व्यक्तियों के, विषयों के, बंदरों के झुंड सदैव आपका पीछा करते ही रहेंगे, और आप अपने भीतर उस भय को अनुभव करते हुए भागते चले जाएंगे, समाधान नहीं होगा। मैं समझता हूँ आज की इस महती आवश्यकता परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष रूप से युवाओं के प्रसंग में, ये एक उदाहरण ऐसा है जो प्रतिपल स्मरण आना चाहिए, क्योंकि हर घड़ी कोई ना कोई डेफिशिएंसी, कॉन्फ्लिक्ट हमारे जीवन में आता है, प्रतिपल कोई ना कोई ऐसा विषय आता है जो हमें आंदोलित कर देता है, छिन्न भिन्न कर देता है। ऐसे में अगर यही हम इतना, इफ यू कैन परसोनिफाई, इफ यू कैन इमेजिन कि मंकीज रनिंग अराउंड, बंदरों का झुंड पीछे भाग रहा है, मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, क्या करूं, खड़े हो जाओ। स्वामी विवेकानंद भी खड़े हुए थे और बंदर रुक गए थे, तुम भी खड़े हो जाओ, रुको, देखो उनकी तरफ, वो निश्चित रूप से रुकेंगे, तुमसे बहुत छोटे हैं, तुम कहीं ज्यादा क्षमताओं से पूरित हो। अगर ये व्यक्ति सोचना शुरू करेगा, हजार समस्याओं के समाधान निश्चित रूप से बुद्धि में अवतरित होने आरंभ हो जाएंगे, फिर आप समस्या के आंदोलन से ग्रसित नहीं रहेंगे, बल्कि समाधानों की एक झड़ी आपके भीतर अवतरित होना आरंभ हो जाएगी। क्या बात है। इसी मौके पर अपने ऑडियंस से एक और प्रश्न लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं से बहुत आशा रखी और उसको रीढ़ माना, पर आज वही युवा बहुत दिग्भ्रमित दिखता है सर। कुछ हाल ही में देखे तो सिर्फ लीडर्स भी ऐसे आ रहे हैं जो सिर्फ अपनी जाति को आरक्षण दिलाने के लिए युवाओं का प्रयोग करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, या उनको रास्ता नहीं मिलता तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को समझ नहीं पाते अब हमारी दिशा क्या है। इस विषय में सर हमें मार्गदर्शन दें आप थोड़ा सा। मेरा उत्तर बड़ा सीमित रहेगा इस विषय में, और युवा दिग्भ्रमित है, इसका मूल कारण एक ही है, क्योंकि हमने बुद्धि के विकास के लिए तो बहुत कुछ सोच डाला है। बुद्धि तो इतनी विकसित हो चुकी है कि वो पृथ्वी को भी कहते हैं कि 300 बार खंडित कर सकती है, बुद्धि कितना विकास है, पर हमने मनुष्य के भीतर के विवेक को विकसित नहीं किया, मनुष्य के भीतर की क्षमताओं को विकसित नहीं किया, उन क्षमताओं को जिसे आज की आधुनिक बायोलॉजी पिछले 3-4 दशकों से मान चुकी है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क का नगण्य प्रतिशत ही पूरे जीवन में प्रयोग कर पाता है। अगर नगण्य प्रतिशत ही अपनी क्षमता का वो प्रयोग कर पाता है तो वो जो सबसे बड़ा अंश उसका प्रसुप्त अवस्था में ही चला जाता है, विकसित नहीं हो पाता। इसका उदाहरण मैंने आज से कम 15 वर्ष पूर्व दिन आरंभ किया था कि मोबाइल फोन के अंदर ढेरों फीचर्स हैं, पर हम तो गिने चुने ही जानते हैं, बाकियों से हम अवगत नहीं है। यही बात कुछ मनुष्य के मस्तिष्क की भी है, सीमित से विषयों पर हम व्यवहार आचरण करते हैं, उससे आगे हम जा ही नहीं पाते, और जब तक हमारे भीतर की क्षमताएं विकसित नहीं होगी, हमारी पात्रता का विकास नहीं होगा, हम दिग्भ्रमित रहेंगे। सीमित क्षमताओं से वर्तमान चुनौतियों का सामना करने में जब हम अपने आप को अक्षम पाते हैं, इनकैपेसिटेटेड पाते हैं, तो दिग्भ्रमित हो जाते हैं। दिशाओं से भ्रम, दिशाओं के प्रति भ्रम कब पैदा होता है, जब कोई भी काम आपको लगता है मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है, तब आप उससे भागते हैं, और भाग करके आप कोई ऐसा कोना ढूंढते हैं जहां आपको कुछ सुरक्षा दिखती हो, चाहे वो कुछ भी हो। आज अगर ये ड्रग्स जैसी समस्याएं हैं, आज अगर ये ओछे मनोरंजन की समस्याएं हैं, तो इसके पीछे का कारण एक ही है, क्षमता विकास नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद जी का एक उद्बोधन, उन्होंने बाद में अनेकों बार उनकी पुस्तकों में भी वो निश्चित रूप से वो जीवंत हुआ, वो एकाग्रता के प्रति था। एकाग्रता के लिए उन्होंने कहा कि पूरी पृथ्वी पर जो मनुष्य जाति है, 90% से कहीं अधिक अपनी वैचारिक क्षमता का दुरुपयोग कर जाती है।
क्योंकि उसका मस्तिष्क एकाग्र नहीं है, उसे एकाग्र होना सिखाया गया ही नहीं है। हिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ना जाने कितने विषय पढ़ाए गए, नहीं पढ़ाया गया तो बुद्धि को नहीं पढ़ाया गया कि इन्हें पढ़ने के लिए एकाग्र कैसे होना है। उस बुद्धि को प्रशिक्षित नहीं किया हमने, उस मन को प्रशिक्षित नहीं किया, और एकाग्रता के अभाव में क्षमताएं विकसित नहीं हो सकती। मनुष्य के भीतर की आंतरिक सुप्त क्षमताएं बिना एकाग्रता से, ऊर्जा संचित किए बिना नहीं हो सकती। ये उसी प्रकार है जैसे एक मात्रा में जब तक आप ऊर्जा का संरक्षण नहीं करते, यू डोंट कंजर्व, तब तक कोई बड़ी मोटर नहीं चलेगी। छोटे मोटे इक्विपमेंट्स तो आपके चल जाएंगे, बड़ी मोटर के लिए बड़ा लोड चाहिए। उसी प्रकार भीतर की क्षमताएं हैं। सामान्य जीवन के काम चल जाएंगे, टेलीविजन देखना, दोस्ती में निभाना, छोटा मोटा नौकरी करना, आजीविका उपार्जन, रिश्तेदारी, इसके लिए तो जितनी वोल्टेज चाहिए वो बड़ी सामान्य है। पर अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ बड़ा कर दिखाऊं इस जीवन में, जिसके लिए जीवन मिला है, तो फिर कुछ आपको शक्ति अलग चाहिए। जो अलग शक्ति चाहिए वो एकाग्रता से ही जन्म लेगी। ये ना तो सिखाया गया, ना पढ़ाया गया, ना बताया गया, और जब ये ना सिखाया, ना पढ़ाया, ना बताया, तो दिग्भ्रमित होना तो स्वाभाविक है। यहाँ पर एक और विषय भी उठता है, वो है भौतिकता एवं आध्यात्मिकता का समन्वय, जो आज के युवा को सीखना जरूरी है कि किस तरह से इसमें एक बैलेंस ढूंढा जाए, किस तरह से इन्हें एक साथ लेकर आगे चले। शायद विवेक की शक्ति जब उत्पन्न होगी तो अपने आप ही भौतिकता एवं आध्यात्मिकता का समन्वय हमें होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी पैदा होती है। विवेक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, ये सही है, ये गलत है। आध्यात्मिकता की शक्ति के द्वारा ही भौतिकता के साथ न्याय संभव है। अगर आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी, विवेक का जन्म नहीं होगा, तो आपकी बुद्धि ऐसे निर्णय लेने पर आतुर होगी कि चाहे कितना भी प्रदूषण हो जाए, चाहे जल मैला हो, वायु दूषित हो जाए, पर मुझे मेरे हिस्से की सुविधा चाहिए, मुझे मेरे हिस्से का मुनाफा चाहिए। ये आध्यात्मिक पक्ष ही है जो आपको प्रेरित करता है कि नहीं, इस पृथ्वी पर मैं अकेला नहीं हूँ, और केवल मैं ही नहीं हूँ, मेरे आने के पश्चात अनेकों संततियों को आना है। आध्यात्मिकता के द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है कि भौतिकता विकसित होते होते कहीं आत्मघाती ना हो जाए, मनुष्य भस्मासुर ना बन जाए। इसका इसका कस्टोडियन कौन है, इसका संरक्षणकर्ता कौन है? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मनुष्य को ये हर पल बोध कराती है, इस प्रकार की प्रगति से रुकना होगा। न्यूक्लियर पावर बहुत बड़ी चीज़ है, न्यूक्लियर वेस्ट उतने बड़ा खतरा भी है, और उन क्षमताओं को संभाल पाना और भी बड़ा खतरा है। एक स्थान पर देखें तो भौतिक प्रगति बहुत बड़ी है, पर दूसरे स्थान पर देखें तो उससे उपजने वाले खतरे भी कोई कम नहीं है। अगर मनुष्य की मानसिकता आध्यात्मिक होगी, वो निश्चित रूप से ऐसे शोध को प्राथमिकता देगा, मुनाफे के उतने अंश को प्राथमिकता देगा, जिससे ऐसे विज्ञान का उदय हो जो मनुष्य के जीवन को सुगम तो बनाए पर उसके अस्तित्व के लिए खतरा नहीं बने। आज अस्तित्व का प्रश्न हो गया है, आज मानवीय अस्तित्व, ग्लोबल वार्मिंग जैसे हजारों विषय हैं। अभी हमने देखा कि हमारे महानगर गैस चैम्बर बन गए। बिल्कुल, वो गैस चैम्बर बने तो इसलिए क्योंकि हमने भौतिकता की दौड़ में आध्यात्मिकता का पुट नहीं लिया, आपाधापी में आगे निकल गए। आध्यात्मिकता रहेगी तो इन्हें हम संतुलित करने में आज भी सक्षम हैं। केवल ये अस्तित्व के स्तर पर नहीं, आचरण के स्तर पर भी। कहते हैं कि मनुष्य के सामने जो तीन सबसे बड़े कष्ट हैं वो है अभाव, अज्ञान और अशक्ति। Either you are deprived of something, either you are ignorant of something, or there is some inability, आप कोई काम नहीं कर पा रहे। और आध्यात्मिक बुद्धि इसी अभाव, अज्ञान और अशक्ति को न्यायोचित मार्ग से दूर करने का एक बहुत सुंदर प्रकाश है, आध्यात्मिक प्रकाश है। इट्स लाइट, इट्स नॉट अबाउट डूज एंड डोंट्स, इट्स लाइट। विवेक इज लाइट, विजडम इज लाइट, इट्स नॉट अबाउट डूज एंड डोंट्स। वो आज के डूज एंड डोंट्स कल के हो सकता रहे ना रहे। मनुष्य के पास आध्यात्मिक प्रकाश होगा तो अभाव, अज्ञान, अशक्ति के साथ बहुत सुगमता के साथ सामना करके हटाया जा सकेगा। क्या खूबसूरत बात कही। आप यहाँ आए दिनेश जी, आपने हमसे बातचीत की, और इस ऑडियंस का भी मैं विशेष तौर पर शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने इस बातचीत को आगे बढ़ाया और अपने इनपुट्स इसमें दिए, और कितनी खूबसूरत बातें आपने पूछी और कितनी खूबसूरत बातें हमें दिनेश जी से सुनने को मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उठो, जागो,
जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद पुण्य भूमि भारत के एक महान कर्मयोगी, जिन्होंने समस्त जनवासियों को विकास का मार्ग दर्शाया, एकता, कल्याण, समता, शांति और अखंडता के मार्ग में ही सभी प्राणियों का सुख है, शांति है, विकास है। स्वामी विवेकानंद के सुविचार थे, सभी शक्ति तुम्हारे भीतर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो, यही जीवन का सार है। अपने जीवन काल में स्वामी विवेकानंद ने भारतीय धर्म और दर्शन का प्रचार प्रसार न सिर्फ भारत में बल्कि समस्त विश्व में किया। 2.5 वर्षों तक अमेरिका और यूरोप के विभिन्न शहरों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हुए वर्ष 1896 में स्वदेश लौटे और अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ज्ञान और भक्ति की महान धाराओं को बढ़ाने के वास्ते रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने कहा, लगातार पवित्र विचार करते रहें, बुरे संस्कारों को दबाने के लिए एकमात्र समाधान यही है। छवि विश्व चरा